व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हिमाचल के रंग, दूरदर्शन के संग। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। और दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता आशीष जमालटा जी, जो देंगे आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद हर्ष जी। दर्शकों, आज हम बातचीत करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में। विवाह जीवन का एक अहम पड़ाव होता है, तो आज हम जानने वाले हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में किस प्रकार से राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेमेडीज दी गई हैं स्पाउसेस को। तो सर, आज हम हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में आपसे जानने वाले, हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में, और विवाह जीवन का एक अहम पड़ाव भी होता है। पर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम एक्ट की बात करते हैं, हम हिंदू मैरिज एक्ट की हम बात करते हैं, क्या इसका पर्पस था, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, और अगर पृष्ठभूमि पर हम जाएँ तो क्या इसकी पृष्ठभूमि थी? जी हर्ष जी, हर्ष जी, जैसे नाम से ही विदित है, हिंदू मैरिज एक्ट, ये एप्लीकेबल होता है हिंदूज के लिए। और अगर जहाँ तक पृष्ठभूमि का सवाल है, तो अगर एंशियंट टाइम में हम देखें तो हिंदू जो हमारी मैरिज होती थी वो एक सैक्रामेंटल, उसको सैक्रामेंटल एक दर्जा दिया गया था, और होली यूनियन थी और परमानेंट थी। और जैसे ही ये एक्ट 1955 में आया, थोड़ा इसका नेचर चेंज हुआ और ये अपने कॉन्ट्रैक्ट और सैक्रामेंटल दोनों का एक मिश्रण आप कह सकते हैं जी। और उसी के साथ साथ जो अभी जो लेटेस्ट लॉ है वो ये दोनों का मिश्रण आप कह सकते हैं। और जी, और हर चीज में जैसे आप देखेंगे कि हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया, तो डेफिनेटली ये हिंदू उसके लिए अप्लाई होता है। तो किस किस को ये एक्ट लागू होता है, सबसे पहले ये महत्वपूर्ण रहेगा जानने के लिए। और हिंदू कौन कौन होते हैं ये जानने से पहले, अगर हम ये जाने कि हिंदू ये एक्ट किस किस को अप्लाई नहीं होता, तो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा ये जी। तो इसमें बेसिकली चार जो धर्म है वो इसे एक्सक्लूड किए गए हैं, वो है मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ज्यूज और पारसीज जी। इनको छोड़ के बाकी सभी जो धर्म है, सेक्स है, उन्हें ये हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होता है जी। सर, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये हिंदूज पे अप्लाई होता है, और धर्म के जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उन पे ये अप्लाई नहीं होता। उनके लिए कहीं ना कहीं उनके स्पेशल मैरिज एक्ट्स, जो उनके धर्म के नियत या उनके धर्म के जो रिचुअल्स हैं, जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, उसको फॉलो करते हुए बनाए गए हैं। सर, आपने ये भी जिक्र किया कि जो ये हिंदू मैरिज एक्ट है ये 1955 में ये लाया गया। और सर, जब हिंदू मैरिज की हम बात करते हैं, आपने कहा कि सेक्रेड यूनियन है, कहा जाता है जन्मों जन्मों का बंधन है, और हिंदू मैरिज की जब हम बात करते हैं, विवाह की हम बात करते हैं, तो जो डिवोर्स था, क्या वो पहले से ही हमारे हिंदू मैरिज में था या नहीं था? जी हर जी, अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जहाँ तक डिवोर्स का कंसेप्ट है, वो 1955 के बाद ही इंट्रोड्यूस किया गया, जब भी कोडिफाई किया गया, जब नीड हुई, जैसे समय का परिवर्तन हुआ, तो ये नीड लेजिस्लेटर्स को लगी कि डिवोर्स का जो एक कंसेप्ट है वो भी इसमें डाला जाए। अदरवाइज इससे पहले, एक्ट से पहले, कोई प्रोविजन एज सच डिवोर्स का नहीं था जी। आशीष जी, आपने जिक्र किया है कि हिंदू मैरिज एक्ट हिंदुओं पे अप्लाई होता है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बाकी सेक्ट्स हैं, जो हिंदुइज्म से ही जो सेक्ट्स निकले हैं, चाहे हम बुद्धिज्म की बात करें, जैनिज्म की बात करें, सिखिज्म की भी बात करें, तो क्या कहीं ना कहीं वो हिंदू मैरिज एक्ट का एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर वो आते हैं? जी, आप ऐसा कह सकते हैं। डेफिनेटली जो ये सेक्स हैं, सिखिज्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, ये भी हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा ही इन अंडर आते हैं, और इन पे यही एक्ट लागू होता है। और अगर हम मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक बताना चाहूँगा, मान लीजिए कई बार सिचुएशंस ऐसी आती है, एक पेरेंट आपका हिंदू है और दूसरा मुस्लिम है, तो उस स्थिति में जो उनके बच्चे होंगे उनका क्या स्टेटस रहेगा? तो इसके लिए ये जानना आवश्यक है हर चीज़। देखिए, उनका जो रिलीजन डिफाइन होएगा वो इस बात से डिफाइन होएगा कि आप बच्चे को किस रिलीजन में बड़ा कर रहे हो जी, उनका लालन पालन जो है किस धर्म के अनुसार हुआ। इसमें अगर एक एग्जांपल मैं दूं, बहुत ही फेमस व्यक्ति रहे हैं हमारे, अगर हम पहली जो हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो बेसिकली कश्मीर के ब्राह्मण्स थे, तो हिंदू थे वो, और उनके जो पति फिरोज गांधी थे वो पारसी थे। तो अब क्वेश्चन ये उठा कि राजीव गांधी जी का रिलीजन क्या होगा? तो इसमें जो निकल कर आया वो ये था कि राजीव गांधी जी अपनी माता जी के रिलीजन के हिसाब से पले बढ़े, और वैसे तो उनका रिलीजन हिंदुइज्म हो जी। मतलब आप जिस धर्म के कस्टम्स को आप फॉलो करते हैं, जिस धर्म के ट्रेडिशन को आप फॉलो करते हैं, चाहे वो आइदर पेरेंट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आप उस धर्म के अंडर आप आएंगे, उस अम्ब्रेला के अंडर आएंगे। सर, आपने HMA के बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बताया कि किस प्रकार से मैरिज को इसमें डिफाइन किया गया। मैं ये जानना चाहूँगा, जब हम शादी की बात करते हैं, हम मैरिज की बात करते हैं, तो डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन है क्या वो इस एक्ट में?
देखिए ऐसे अगर अगर आप डेफिनेशन देखें तो ये बेसिकली जो जैसे मैंने पहले भी कहा ये एक यूनियन है, ऐसे कोई इसकी सेटल्ड कोई डेफिनेशन नहीं है। तो बेसिकली जो हमारे रिचुअल्स है जैसे अग्नि की तरफ फेरे लेने की जो हमारी प्रथा है सप्तपदी जिसे कहते हैं हम, जी वो बहुत ज़रूरी है एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए, जी तो ये इससे गवान होता जी है सर, ऐसे। एज का क्या क्राइटेरिया रहता है? क्योंकि अब बाकी धर्मों में हम देखते हैं कि एज का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, पर जी अगर आपने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर आपने शादी करनी है तो आपकी एज क्या रहनी चाहिए और क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए ताकि आप इस एक्ट के अंतर्गत शादी करें? जी हर्षी देखिए, जहाँ तक एज का सवाल है, एज का जो डिफाइन किया गया है वो लड़के की एज 21 साल और लड़की की 18 साल। जी अभी फिलहाल में पिछले वर्ष ही एक पिटीशन दायर की थी प्राइवेट रिस्पोंडेंट प्राइवेट पार्टीज द्वारा, उसमें उन्होंने प्रेयर ये करी थी कि जो एज इनके समान होनी चाहिए, मतलब लड़के की भी समान हो और लड़की की भी समान हो। जी हालांकि वो पिटीशन नहीं चली और तब से यही जो पहले हमारा कस्टम था 18 साल और 21 साल, लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल। और इसके साथ साथ मोनोगैमी होना, मतलब मोनोगैमी जो होता है जो मतलब आपकी कोई दूसरी पत्नी ना हो, जी मतलब आपकी पहली कहीं शादी ना हुई हो, अगर शादी हुई हो तो वैलिडली उसका डिवोर्स हुआ हो, जी उस सिचुएशन में आप शादी कर सकते हैं। और आपका साउंडनेस ऑफ माइंड, वैलिड कंसेंट, ये चीज़ें जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एक अगर आप हिंदू मैरिज के तहत आप शादी करना चाहते हैं, जी वैलिड जो मैरिज जी आप कहेंगे। जी सर, अक्सर हम जब देखते हैं जब हिंदू विवाह होता है जी या फिर अगर हम अम्ब्रेला टर्म भी ले लें, हम सिखिज्म की भी बात कर लें, हम जैनिज्म बुद्धिज्म की भी बात कर लें, एक वाउज का एक कंसेप्ट रहता है, और अगर हम हिंदुज़म की बात करें तो पवित्र अग्नि के आसपास आप फेरे लेते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, हम देखते हैं कई बार जो शादी होती है वो कोर्ट में भी होती है, जिसे कोर्ट मैरिज भी कहते हैं, तो वो क्या एक अलग एक्ट है या वो इसी के अंडर गवर्न होगा? जी बहुत अच्छा प्रश्न है हर्ष जी। देखिए जहाँ तक म्यूचुअल कंसेंट से जो आप शादी जो आप कह रहे हैं वो करते हैं, और उसमें या कोर्ट मैरिज जिसे आप कहते हैं, कोर्ट मैरिज अगर आप करते हैं तब भी आपको पहले मंदिर में जाके वो सारी रस्में निभानी पड़ती है और उसका प्रूफ जो है आपको अटैच करके रजिस्ट्रार को देना पड़ता है, रजिस्ट्रार मैरिज, जी तो तब जाके आपकी जो शादी है वो वैलिड मानी जाएगी। और आप, हाँ आपके पास ऑप्शन है, आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर प्रोविजन है सेक्शन 18 में कि आप मैरिज को रजिस्टर भी कर सकते हैं। जी जी सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा, मेरे दिमाग में मेरे जहन में सवाल आ रहा है, कई बार हम ये देखते हैं कि जो कंसेंटिंग पार्टनर्स होते हैं शादी करने वाले, जी वो कोई एक धर्म का हो सकता है, कोई दूसरे धर्म का हो सकता है, तो क्या वो एक स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर फॉल करेंगे या वो हिंदू मैरिज एक्ट में आएंगे? देखिए हर्षी, इसमें ऐसा है, अगर आप हिंदुइज्म में आप शादी करना चाहेंगे चाहते हैं तो जो दोनों का धर्म सेम होना चाहिए, अगर वो दूसरे धर्म से तो वो कन्वर्ट होके आप शादी कर सकते हैं, जी जो दूसरे धर्म की है उनको कन्वर्ट होके हिंदुइज्म में, तब तो जाके आप वैलिड मैरिज कहलाएगी। जी सर, जब हम विवाह की बात करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि एक्ट के अंदर भी ये कहा गया है कि कुछ शादियों को नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो ये जो नल एंड वॉइड है ये है क्या, ये क्या कंसेप्ट है और क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन सी ऐसी शादियां होती हैं जिनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है? जी हर्ष जी, देखिए हर्ष जी, इसमें दो तरह की जो एक एक होती है वर्डेबल मैरिज, एक होती है नल एंड वॉइड, तो इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है। अब अगर हम वॉइड मैरिजेस की बात करें तो उसमें हमारे सेक्शन 5 में ही, इसमें हिंदू मैरिज एक्ट में क्लॉज 1, 4 और 5 जी ये डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सी ये सिचुएशंस होगी जिसमें मैरिज को हम नल एंड वॉइड करार दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो है बाइगेमी। अगर आप प्रेजेंटली जो आपकी धर्मपत्नी है, अगर उसके अलावा भी आप शादी करना चाहते हैं, शादी आपने करी, तो वो एक नल एंड वॉइड होगी जो आपकी दूसरी शादी होगी। जी और उसी के साथ साथ एक प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होता है, उसमें जो डिफाइन किया गया है उसमें जिस तरह आप भाई बहन नहीं शादी कर सकते हैं, या दो भाई के बच्चे आपस में शादी नहीं कर सकते, दो जी बहनों की बच्चे आपस में शादी नहीं कर सकते, तो और तीसरा होता है सपिंडर रिलेशनशिप। जी सपिंडर रिलेशनशिप अगर हर चीज हम डिफाइन करें तो सपिंडा जो वर्ड है वो निकल गया है पिंड, पिंडदान जो हमारे हिंदू धर्म में किसी की मौत के बाद किया जाता है। अगर जी उसमें हम एक ही व्यक्ति के पिंडदान दो व्यक्ति दे रहे हैं तो उस स्थिति में देखा जाता है, इसमें भी दो कंसेप्ट्स हैं, एक में हम देखते हैं 7 डिग्रीज टूवर्ड्स मेल साइड और 5 डिग्रीज टूवर्ड्स वीमेन साइड। जी तो जैसे अगर एग्जांपल लें,
कोई लड़का है, अगर वो आप लड़का लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले सपिंडा रिलेशन अगर देखना है तो उन दोनों के पेरेंट्स की लीनियल एज हमें देखनी होगी। सपोजिटली लड़का आ गया फर्स्ट डिग्री, उसके फादर आ गए सेकेंड डिग्री और उसके ग्रैंड फादर आ गए थर्ड डिग्री, ऐसे करते हैं हमको 60 डिग्रीज तक देखना। अगर उनके बीच कोई रिलेशन नहीं आता तो इस केस में हम मैरिज कर सकते हैं तो वो वॉइड नहीं कहलाएगी। अगर इसकी इन डिग्रीज के बीच में होगी तो वो वॉइड मैरिजेस कहलाएगी। जी सर, वॉइड मैरिजेस की जब हम बात करते हैं तो अगर मैं ये समझूं और हमारे दर्शकों को भी आप समझाएं, वॉइड मैरिज का मतलब ये है कि वो मैरिज वैलिड ही नहीं है, वो माना ही नहीं जाएगा कि कभी आपकी शादी हुई। जी जी बिल्कुल सही आपने कहा, जैसी मैरिज होती है भले ही आपने रिचुअल्स फॉलो कर लिए सब, मगर वो वॉइड का मतलब हुआ कि आप बिल्कुल सिरे से ही आप शुरू से ही जो है वो लीगल नहीं है। जी जी उसको नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा। जी सर, जब हम बात करते हैं शादी की, हम बात करते हैं विवाह की, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि विवाह के बाद सिचुएशंस में डिवोर्स की जब हम बात करते हैं तो डिवोर्स क्या है और कौन से ग्राउंड्स होते हैं जिस पे आपको डिवोर्स मिलता है? जी हाँ जी, देखिए डिवोर्स एक हम कहेंगे वो परिस्थिति आ जाती है जो जब आप आपस में सेटल हस्बैंड वाइफ जो है उनके रिलेशन खटास हो जाती है तो एंड में वो डिवोर्स के लिए इट इज़ लास्ट रिजॉर्ट। तो डिवोर्स के जो कारण मुख्यतः रहते हैं वो है अडल्ट्री, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, क्रुएलिटी, डिजर्शन, कन्वर्जन और वेनरल डिजीज और प्रिजम्पशन ऑफ डेथ और रिनन्सिएशन ऑफ द वर्ल्ड। अगर इसको आप समझे अडल्ट्री अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो वो भी एक वो जो है एक ग्राउंड रहेगा। और क्रुएलिटी, क्रुएलिटी में हर्षी आप जैसे देखिए क्रुएलिटी भी एक फिजिकल तौर पे होगी या फिजिकली किसी से मारपीट होती है या इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो वो फिजिकल क्रुएलिटी में आएगा। और जहाँ तक मेंटल क्रुएलिटी की बात है उसमें जैसे आप अपने पार्टनर से आप अच्छे से बात नहीं कर रहे या इस दहेज के लिए प्रताड़ना या इस तरह का कोई इशू आता है तो वो मेंटल क्रुएलिटी में आता है। अब डिजर्शन, अगर आप डिजर्शन का जो ग्राउंड है, डिजर्शन बेसिकली अगर आप बिना किसी रीजन के कोई पार्टनर आपके साथ रिकनसाइल नहीं कोहैबिट नहीं करता जो कि मुख्य इंग्रेडिएंट्स है एक वैलिड मैरिज के, तो उस स्थिति में भी डिवोर्स किया वो एक ग्राउंड बन सकता है। सर डिजर्शन का जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि आपने कहा कि दो साल तक कोहैबिट नहीं करा तो दो साल तक मतलब वो एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं। अगर कई बार ऐसा भी होता है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को छोड़ के अपने घर में जाके रहने लग जाता, अलग रहना शुरू कर देते हैं तो क्या वो भी एक ग्राउंड है डिवोर्स का? जी हर चीज़, देखिए कई बार स्थिति ऐसी आती है, मान लीजिए जैसे लड़का एक जगह रह रहा है और लड़की की जॉब कहीं दूसरी जगह है और उनके रिलेशन आप तो स्थिति रिलेशन अच्छे हैं तो उस स्थिति में आप हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये डिजर्शन है। डिजर्शन की स्थिति तब पैदा होगी जब हम बिना कि कुछ बताए, बिना किसी रीज़न असाइन किए हुए आप अपने घर को छोड़ के आप चले जाते हो तो वो डिजर्शन कहलाएगा हर चीज़ थी। और जैसे मैंने बताया अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जैसे अनसाउंडनेस ऑफ मेंटल आपकी किसी की स्थिति ऐसी है जो मतलब क्योरेबल नहीं है जी, उस स्थिति में भी एक डिवोर्स का एक ग्राउंड है हमारे पास। और रिनन्सिएशन ऑफ वर्ल्ड, जैसे कोई मंक बन जाता है या अपना घर छोड़ देता है उस स्थिति में भी एक ये ग्राउंड है। और वेनरल डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जैसे HIV एड्स हो गया वो भी एक कारण है डिवोर्स का। और प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ हम उस स्थिति को कहेंगे जब 7 साल तक आइदर पार्टी का, किसी पार्टी का, दोनों में से एक पार्टी का अगर कोई पता नहीं है या उसको उनसे कोई मिला नहीं देखा नहीं तो उस स्थिति में भी प्रिज्यूम किया जाएगा कि ही और शी इज डेड, तो ये भी एक जो ग्राउंड है डिवोर्स का है। जी सर, आपने मेंटल क्रुएलिटी का भी जिक्र किया, मानसिक क्रूरता का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि अगर कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ अच्छे ढंग से व्यवहार नहीं करता, उसको प्रताड़ित करता है या उसको बुरा भला कहता है तो कहीं ना कहीं मेंटल क्रुएलिटी होती है। सर कई बार हम ये भी देखते हैं कि शादी के बाद, कुछ ऐसे केसेस भी हम देखते हैं कि शादी के बाद मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं होती है और मैरिज अगर नॉन कॉन्ज्यूमेशन है मैरिज का तो क्या वो नल एंड वॉइड में चली जाएगी वो शादी या फिर वो एक ग्राउंड बन जाएगा डिवोर्स का? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है हर्षी। हाँ जी, नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज ऑन बेसिस ऑफ जैसे इम्पोटेंसी हो गया तो जी इट इज़ अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, है ना, तो ये एक डिवोर्स का ग्राउंड
बन सकता है जी। सर डिवोर्स के ग्राउंड्स के बारे में आपने जिक्र कर दिया, आपने डिवोर्स भी बता दिया कि डिवोर्स कहीं ना कहीं एक जो यूनियन है, जब हम बात करते हैं जन्मों जन्मों के बंधन की, हम बात करते हैं सात फेरों की, तो कहीं ना कहीं वो उसको स्टॉप कर देता है, उसे रोक देता है। तो डिवोर्स लेने के लिए क्या कई बार हम ये भी देखते हैं कि दोनों पार्टनर्स म्यूचुअली अग्री होते हैं, बट अगर म्यूचुअली अग्री नहीं हो रहे हैं तो किस प्रकार से एक पार्टनर कोर्ट को अप्रोच करे और कैसे अप्रोच करेगा वो? जी हसी, देखिए जब डिवोर्स की स्थिति बनती है तो उस स्थिति में कोई भी पार्टी जो डिवोर्स लेना चाहती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अप्रोच कर सकती है जी, जिसे हम फैमिली कोर्ट भी कहते हैं, और उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पार्टी डिवोर्स लेना चाहती है वो अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, जो उसमें सारे अपने रीजंस जो हैं वो बता के आप फाइल कर सकते हो, और उसके बाद जो नोटिस होंगे और सबसे पहले ऑफिस ऑर्डर पे लगेगी, उसके बाद अगर आपकी पिटीशन ठीक बनी है, हर चीज़ उसमें ठीक है, तो उसके बाद फिर दूसरी पार्टी को नोटिस जाएंगे। नोटिस जाने के बाद वो दूसरी पार्टी जब कोर्ट आएगी तो वो अपना जवाब देगी जी, उस जवाब के खिलाफ आप अपना जवाब दायर करेंगे, उसके बाद एविडेंसेस होगी, और अगर कोर्ट को लगता है कि इनमें कोई संभावना नहीं है, या अगर कोई संभावना बनती भी है, वैसे तो हर चीज़ देखिए मोस्टली जो कोर्ट्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि शादी ना टूटे जी, उसके लिए भी प्रोविजंस हैं, जैसे सेक्शन 9 हमारा कहता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, उसमें अगर कोई पार्टी बिना बताए एक साल के लिए या एक मतलब बिना बताए घर से निकल चले जाते हैं तो दूसरी पार्टी एक साल के अंदर कोर्ट में फाइल कर सकते हैं कि ये हमें मतलब डेजर्ट करके चले गए, तो उस स्थिति में कोर्ट में पास डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, और उसके बाद एक और प्रोसेस होता है सेक्शन 10 में जिसे जुडिशियल सेपरेशन कहा जाता है जी, उसमें भी कोर्ट जो उनकी बेसिक पति पत्नी वो रहेंगे, कई बार हजी हमने देखा है कि मोस्टली ईगो प्रॉब्लम्स या कोई दूसरी दिक्कतों को लेके अनबन हो जाती है और मामला डिवोर्स तक पहुंच जाता है, तो कोर्ट का यही एक एंडेवर रहता है कि उसको रिकनसाइल किया जाए और शादी बची रहे जी, ये मुख्य उद्देश्य जी है। सर जैसा आपने जिक्र किया रिकनसिलिएशन का, जो हमारी कोर्ट्स है, जो हमारी जुडिशरी है, वो काफ़ी प्रोसेस करती है, बट कई बार रिकनसिलिएशन होने की संभावना भी नहीं होती। कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो पति पत्नी है वो म्यूचुअली एग्री करते हैं और वो अलग होना चाहते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से वो डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से संभव है, और क्या एक साल से, शादी के एक साल से पहले आप डिवोर्स की एप्लीकेशन आप मूव कर सकते हैं या नहीं? जी हर्षी, देखिए ये लेटेस्ट अभी हमारी एक जजमेंट आई है, उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए अगर आप म्यूचुअल कंसेंट पे अगर डिवोर्स चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले साल से पहले हमें साल का वेट करना होगा, उसके बाद अगर म्यूचुअल कंसेंट से हम चाहते हैं तो सबसे जो प्रोसेस पहले रहता था, आपको दो बार अप्रोच करना पड़ता था कोर्ट को, यू हैव टू सीक मोशन ऑफ कोर्ट फॉर टू टाइम्स। सबसे पहले आप म्यूचुअली दोनों एग्री, हस्बैंड वाइफ एग्री होते थे कि जी ये कंडीशंस हैं, हम दोनों अलग रहते हैं और हम डिवोर्स आते हैं म्यूचुअल, तो उसमें कोर्ट एक कूलिंग पीरियड देता था साल का, कि 6 महीने का, कि आप देखिए इसमें अगर साथ रहिए और 6 महीने के बाद आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं, अगर 6 महीने के बाद आप कर सकते हैं कभी भी 18 महीने तक, अगर 18 महीने तक नहीं करेंगे तब वो वैलिड, तब वो नहीं होएगा, अगर 18 महीने से आप पहले कर देते, 6 महीने के बाद और 18 महीने से पहले कर देते हैं तो उसको कंसिडर किया जाएगा। तो अभी जो हर्जी अभी एक दो दिन पहले ही जजमेंट आई, आपको शायद ध्यान होगा, आपको पता होगा कि उसमें जो कूलिंग पीरियड था, वेटिंग पीरियड 6 मंथ का, वो वेव ऑफ कर दिया गया है जी, और कई सर्कमस्टांसेस, कई चीज़ें उसमें ध्यान में रखते हुए कोर्ट उस पीरियड को वेव ऑफ कर सकता है जी, तो अब थोड़ा इजी हो गया जहाँ तक मुझे लगता है। वैसे तो डिवोर्स की स्थिति नहीं आनी चाहिए, फिर भी अगर ऐसा होता है तो थोड़ा टाइम जो है कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस रहता था उसमें थोड़ा कमी आएगी जी। सर जैसा आपने जिक्र भी किया सुप्रीम कोर्ट की हाल फिलहाल की जो नई जजमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने चेंज लाया है हिंदू मैरिज एक्ट में, कहीं ना कहीं नए ग्राउंड्स को उन्होंने लेकर आए हैं डिवोर्स के लिए, और उनमें से एक है इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जहाँ पे कोई संभावना ही नहीं बचती कि आप लोग रिकनसाइल कर सकें और कहीं ना कहीं जो आपकी शादी है वो चल सके। और कई बार सर हम ये भी देखते हैं कि पति पत्नी बहुत सालों से अलग रह रहे हैं, 5 साल 7 साल 10 साल से अलग रह रहे हैं, कोई उनके बीच ऐसी खटास भी नहीं है, बट वो साथ भी नहीं रहना चाहते पर एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहते, तो क्या ये भी इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है? और अगर आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है क्या और कैसे ये हिंदू मैरिज एक्ट में अब एक नया चेंज लेके आ रहा है। जी, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अगर हम समझे तो ये इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए अगर किसी ने डिवोर्स के लिए फाइल किया है, उसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस में भी आपने केस फाइल किया है किसी पार्टी ने, और हिंदू मैरिज एक्ट में भी सेक्शन 24 में मेंटेनेंस के लिए
कुल मिला के जिस तरह हर जी 4-5 केसेस इकट्ठे हो जाते हैं, क्लब हो जाते हैं, और कहने का मतलब है एक साथ ही किसी पार्टी पे 3-4 केसेस चलते हैं और वो लिंगर ऑन होता रहता है। कई बार पार्टी की टेंशन ये रहती है कि हाँ हम केस लड़ते रहेंगे, मगर एडमेंट हो जाते हैं कि नहीं हमने केस ही लड़ना है, और दूसरी पार्टी को हम नहीं आसानी से जो छोड़ेंगे, जो वही ईगो जो प्रॉब्लम मैं बात कर रहा था। तो ये इररिट्रेवल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की एक आप इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास की है वो बहुत अच्छी जजमेंट है, उसमें जो उन्होंने कंडीशंस वगैरह दी बहुत एक तरह से जो आपका टाइम बचेगा, रेवोल्यूशनरी काफ़ी उन्होंने एक नई चीज़ को वो लेकर आ गए हैं, क्योंकि पहले हम अक्सर ये भी देखते थे आशीष जी कि अब डिवोर्स के केसेस जैसा आपने जिक्र भी किया बहुत लंबे चलते थे, लोगों के पास ज़्यादा इफेक्टिव ग्राउंड्स नहीं होते थे। तो कहीं ना कहीं जैसा आपने अभी जिक्र किया कि अगर कोर्ट्स को आप ये कन्विंस कर सकते हैं कि इतने साल से आप अलग रह रहे हैं और इतने सीरियस एलिगेशंस अगर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस पे लगाता है, उसे कोर्ट कचहरी में घसीटता है, या डोमेस्टिक वायलेंस या 498A या इस प्रकार से कोई क्रिमिनल चार्जेस एक स्पाउस दूसरे स्पाउस पे लगाता है, तो कहीं ना कहीं उनकी आपस में रहने की संभावना लगभग ख़त्म ही हो जाती है। जी डेफिनेटली हर्ष जी, देखिए इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर 4-5 केस चल रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें दोनों पार्टीज जो है वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाती है, और अगर कोर्ट को लगता है कि ये रिकनसाइल होने वाली नहीं है मैरिज, तो उस स्थिति में ये ग्राउंड बनता है जिससे हम डिवोर्स ले सकते हैं। और जैसे वो मैंने पहले भी कहा, वो जो 6 महीने का जो पीरियड था वेटिंग पीरियड, जिसको कूलिंग डाउन पीरियड कहते हैं, तो वो वेव ऑफ कर सकते हैं कोर्ट कभी भी पहले ये इस जजमेंट से आने से पहले। हर चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले ये सिर्फ हाई कोर्ट के पास ये डिस्क्रिप्शन थी कि वो वेव ऑफ कर सकते थे। जी जी, अब आपके फैमिली कोर्ट्स भी इसको वेव ऑफ कर सकती है। तो इस परिस्थिति में ये होगा, जो पार्टीज है उनका टाइम भी बचेगा, और अगर हर जी शादी नहीं चल रही तो उससे अच्छा आप डिवोर्स लेके अपना मूव ऑन कर सकते हैं। जी, और सर जैसा कि आपने जिक्र किया अभी कि इररिट्रेवल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो या फिर और ग्राउंड्स हो डिवोर्स के, तो डिवोर्स होने के बाद एक शादी तो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, उसके बाद भी क्या एक स्पाउस के दूसरे स्पाउस के प्रति कोई राइट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं? जी हाँ जी, देखिए इसमें दो परिस्थितियाँ, एक तो आप जो आपके बच्चे हैं या वो है साथ में या नहीं है, जी। अगर बच्चे अभी नहीं हुए हैं तो वो परिस्थिति थोड़ी अलग होगी। उस परिस्थिति में हर चीज़ ये होएगा, अगर जो आपके राइट्स की अगर तक बात की जाए, तो अगर एक बार डिवोर्स हो गया उसके बाद आपका लीगल टाइज जो है वो ख़त्म हो जाती है, आप पति पत्नी नहीं कहलाएंगे उसके बाद। और अगर आप चाहते हैं आप दूसरी मैरिज करें, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा, केवल जो आपका अपील का जो समय रहता है कि इस ऑर्डर की जो अपील हो सकती है, अगर उसका समय लैप्स हो जाता है उसके बाद आप कभी भी मैरिज कर सकते हैं। और अगर बच्चे हैं तो उनके विजिटिंग राइट्स, कस्टडी किसको मिली और उनके विजिटिंग राइट्स, और जैसे हम एलिमनी की बात करेंगे, परमानेंट एलिमनी जो होता है, मेंटेनेंस को छोड़ के जो एलिमनी है, जब फाइनली आप डिवोर्स कर रहे हैं और दोनों ने फैसला कर दिया कि अलग रहेंगे और कोर्ट ने भी डिक्री पास कर दी, तो उस परिस्थिति में वो पहले ही सेटल हो जाएगा, उसके बाद आप कोई रिलेशन एक दूसरे के साथ नहीं रख पाएंगे और लीगली भी वो वैलिड नहीं माना जाएगा। जी आशीष जी, हमेशा ये कहते हैं कि जब आप न्याय के दरवाजे पे आते हैं तो काफ़ी समय वहाँ पे लग जाता है, काफ़ी समय लगने की वजह से भी कहीं ना कहीं एक मेंटल एग्नी, मेंटल क्रुएलिटी अगर मैं कहूँ तो वो हो जाती है। तो कई केसेस में हम ये देखते हैं कि जो अपोजिट पार्टी होती है, जैसे कई बार कुछ लड़कियाँ डिवोर्स के लिए जाती हैं तो जो अपोजिट पार्टी है वो आती ही नहीं है, या फिर वो कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं एक टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं, मैन प्लेइंग करते हैं वो, और वकीलों को कई बार बदलते हैं या फिर पेशियों पे नहीं हाजिर होते, तो ऐसे मामले में आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे वो अपने केस को स्पीड अप कर लें? जी हर जी, देखिए इसमें अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि आप डिले टैक्टिक्स जो है वो एक पार्टी के द्वारा की जा रही है, तो उसमें कभी जैसे कोई सर्व नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप अल्टरनेट मेथड भी होता है सर्व करने के लिए। अदरवाइज अमूमन देखा गया अगर सर्विस पे ही आप काफ़ी समय बीत जाता है, अगर मैं कहूँ सालों बीच जा सकते हैं जी, ऐसे में आप जो है आप अल्टरनेट जो आपका प्रोसीजर है तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वो समन नहीं ले रहे हैं तो कोर्ट के थ्रू
प्रोसीजर रहता है, उसमें आप कोर्ट से ही आपका ऑफिशियल जाएगा, उनको सर्व करेगा। तो इस तरह की रेमेडीज जो है आप अवेल कर सकते हैं ताकि प्रोसेस जो है स्पीड अप हो पाए। जी आशीष जी, अक्सर हम जिक्र करते हैं मेंटेनेंस की, हम बात करते हैं खर्चे की, आपने कहा HMA के कुछ एक्ट्स हैं 125 हो चाहे 24 हो, उसमें आप खर्चा क्लेम भी कर सकते हैं। क्या कोई ऐसे ग्राउंड्स भी होते हैं, क्या ऐसे कोई रीजंस भी होते हैं जहाँ पे जो कोर्ट है वो डिनाई कर देती है खर्चा देने के लिए? जी हर्ष जी, देखिए अभी जो प्रेजेंटली जो टाइम चला है हर्ष जी, वो जिसे हम कहेंगे फेमिनिज्म, ठीक है, फेमिनिज्म का सपोर्ट भी करते हैं सब लोग, और ये देखा गया है जहाँ तक लड़कियाँ हैं वो भी कंधे से कंधा मिला के लड़कों के साथ चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ मेंटेनेंस डिनाइल का अगर सवाल उठता है, तो उसमें एक तो कोर्ट ये देखता है कि लड़की सबसे पहले वेदर शी इज अर्निंग, वो कमाई कर रही है या नहीं कर रही, और वेदर शी इज वेल एजुकेटेड और पढ़ी लिखी है, बावजूद उसके वो नौकरी नहीं कर रही, तो उस स्थिति में भी कोर्ट जो है टर्न डाउन कर सकते हैं मेंटेनेंस की जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको टर्न डाउन कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ, और विलफुली अगर कोई जैसे वाइफ अलग रह रही है विलफुली विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, तो वो भी एक परिस्थिति बनती है जिसमें कोर्ट जो है आप मेंटेनेंस डिनाई कर सकते हैं। जी आशीष जमाल्टा जी, आज आपने हिंदू मैरिज एक्ट यानी हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में काफ़ी डिटेल में हमारे दर्शकों को बताया क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं और किस प्रकार से जो जुडिशरी का भी एक एंडेवर रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस ला के प्रोसेस को थोड़ा तेज़ किया जाए और कहीं ना कहीं लोगों को कोर्ट कचहरी ना आना पड़े। तो आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इतनी डिटेल में आपने हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। We'll be right back.